हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक का टॉप 130 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विच प्रोमिनेंट लीडर्स लंडन होम गॉट द ब्लू प्लेक ऑनर। तो किस प्रोमिनेंट लीडर्स के लंदन में स्थित घर को ब्लू प्लेक ऑनर मिला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, दादा भाई नेहरोजी। तो रिसेंटली लंडन होम ऑफ दादाभाई नेहरोजी गॉट द ब्लू प्लेक ऑनर। तो ब्लू प्लेक स्कीम, ये स्कीम चलाया जाता है इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी के द्वारा। इसके तहत लंदन में स्थित सारे हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को ब्लू प्लेक ऑनर से सम्मानित किया जाता है। तो दादाभाई नेहरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये फर्स्ट इंडियन थे जो मेम्बर बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। हु हैज़ बीन क्राउंड फेमिना मिस इंडिया 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सीनी सेट्टी। तो मिस इंडिया 2022 इसका टाइटल जीती है सीनी सेट्टी, जो कि कर्नाटका से हैं, और रनर अप रहा है रूबल शेखावत, जो राजस्थान से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन क्राउंड एज मिस इंडिया यूएसए 2022। यहाँ पे मिस इंडिया 2022 था, इसका टाइटल जीता है सीनी सेट्टी, एंड यहाँ पे है मिस इंडिया यूएसए 2022, ये टाइटल जीता है आर्या वालवेकर। तो आर्या वालवेकर ये इंडियन अमेरिकन है, इन्होंने जीती है मिस इंडिया यूएसए 2022 का टाइटल, एंड फर्स्ट रनर अप रहा था सौम्या शर्मा। अगर बात करें मिस यूनिवर्स 2022 की, तो इसको जीता है हरनाज संधु, जो कि इंडिया से हैं। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द कर्नाटका रत्न अवार्ड। तो कर्नाटका रत्न अवार्ड यह कर्नाटक का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इस साल ये दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को, जो कि एक फेमस एक्टर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया था। तो कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द सेविलियर डी ला लीजियन डी ऑनर। तो ये अवार्ड फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनमें से एक मिलेंगे शशि थरूर को, जो कि प्रोमिनेंट लीडर है कांग्रेस के। तो शशि थरूर को मिलेंगे सेविलियर नाइट डी ला लीजियन डी ऑनर। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट साउथ एशियन टू विन द लिस्बन ट्राइनेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मरीना तबस्सुम। तो मरीना तबस्सुम, जो कि बांग्लादेशी आर्किटेक्ट हैं, और ये फर्स्ट साउथ एशियन बन चुकी है जिन्होंने जीता है लिस्बन ट्राइनेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो याद रखिएगा, ये एक बांग्लादेशी आर्किटेक्ट है जिसको ये अवार्ड मिला है। क्वेश्चन है, रिसेंटली सेंटर है सेटअप राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, माइनिंग। तो माइनिंग को प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार की स्थापना की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार ये एक नेशनल अवार्ड है टू प्रमोट माइनिंग अक्रॉस द कंट्री। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, यानी कि खान मंत्रालय के द्वारा। विनर्स की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन वाले को 3 करोड़, सेकंड वाले को 2 करोड़, एंड थर्ड पोजीशन वाले को 1 करोड़ मिलेंगे, ठीक है। तो गुजरात फर्स्ट प्राइज रिसीव करा है राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार में फॉर द ऑक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द जापान्स ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नारायणन कुमार। तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड ये दिया गया है नारायणन कुमार को, जो कि सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द जेसी डेनियल अवार्ड 2022। तो जेसी डेनियल अवार्ड 2022 में मिला है केपी कुमारन को, जो कि एक फिल्म मेकर हैं, ठीक है। तो जेसी डेनियल अवार्ड ये केरला का हाईएस्ट अवार्ड है इन मलयालम सिनेमा। अगला क्वेश्चन है, हु वन द टॉप मैथमेटिक्स प्राइज द फील्ड मेडल 2022। तो फील्ड मेडल ये एक टॉप मैथमेटिक्स प्राइज है, और इसको नोबेल प्राइज माना जाता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो 2022 में इसको जीता है मरियाना वायजोस्का अलोंग विद द 3 अदर विनर्स। तो मरियाना वायजोस्का ये यूक्रेन से हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इंडियन हैं, इंडियन ओरिजिन, जिन्होंने इस अवार्ड को अब तक जीते हैं? तो अक्षय वेंकटेश 2018 को, एंड मंजुल
भार्गवा 2014 को, हु प्रेजेंटेड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर 2021 टू दिया मिर्जा एंड अफरोज शाह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी जो प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 ये अवार्ड दी गई है दिया मिर्जा को, जो कि यूनाइटेड नेशंस के गुडविल एम्बेसडर है फॉर एनवायरनमेंट, एंड अफरोज शाह को जो कि एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुरारई पुत्तुरु। तो 68th नेशनल फिल्म अवार्ड विनर लिस्ट की बात करें तो बेस्ट फीचर फिल्म सुरारई पुत्तुरु, बेस्ट एक्टर सूर्या इसी मूवी के लिए, एंड अजय देवगन को उनके मूवी तानाजी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बाला मुरली को, एंड बेस्ट डायरेक्टर सचिदानंदन के आर को। इसके बाद है शिंजो आबे, फॉर्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है गोली लगने के कारण। अवार्डेड विद द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमस, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट यानी कि NAARM जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, इसकी स्थापना की गई थी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR के द्वारा, और NAARM ने जीता है सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड 2021 को। ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 तीन लोगों ने जीता है, किसके फील्ड में, तो एनर्जी इंडस्ट्री के फील्ड में। पहला है कौशिक राजाशेखर जो कि इंडियन अमेरिकन है, इसको ज़रूर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है मिशेल पुनावाला, इन्होंने रिसीव करा है सिरोमणि अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन आर्ट्स, कहाँ पे रिसीव किया है, तो NRI वर्ल्ड समिट 2022 में जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, पुलित्ज़र प्राइज 2022। तो फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में इसको जीता है दानिश सिद्दीकी ने। रोल्स रॉयस इंडिया के प्रेसिडेंट किशोर जयरमन, इन्होंने रिसीव करा है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो कि टॉप ब्रिटिश ऑनर है। रिसेंटली स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, इन्होंने रिसीव करा है लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डी पल रागा दुस्तोन अवार्ड 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वन वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिंथिया रोजेनज़वेग। तो वर्ल्ड फूड प्राइज, इसको नोबेल प्राइज मनाया जाता है फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, 2022 में इसको जीता है सिंथिया ई रोजेनज़वेग जो कि एक अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, और ये अवार्ड दी जाती है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा, जिसका प्राइज मनी है $250,000। एंड 2021 में इस अवार्ड को जीता था शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। अगला क्वेश्चन है ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी डेरिल मिशेल जो कि न्यूजीलैंड से हैं। तो इम्पोर्टेंट अवार्ड को देख लेते हैं 2021 के ICC का, ठीक है। तो ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 ये बना है पाकिस्तान का शाहीन आफरीदी। ICC वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 ये बने हैं इंडिया के स्मृति मंदाना। ICC टेस्ट मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 ये बने हैं जो रूट इंग्लैंड से हैं, ठीक है। हाउ मेनी पर्सनालिटीज़ हैव बीन अवार्डेड विद द पद्म अवार्ड 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 128। तो 2022 का पद्म अवार्ड 128 पर्सनालिटीज़ को दी गई है। तो पद्म अवार्ड ये तीन कैटेगरीज में दी जाती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। पद्म विभूषण ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न, ठीक है। तो इस साल 2022 में 4 पर्सनालिटीज़ को दी गई है, कौन कौन से इसको याद रखेगा, प्रभा आत्रे आर्ट के क्षेत्र में महाराष्ट्र से, राधे श्याम खेमा लिटरेचर के क्षेत्र में UP से हैं, और इनको उनके मतलब निधन के बाद मिला है यह अवार्ड। जनरल बिपिन रावत सर सिविल सर्विस के क्षेत्र में उत्तराखंड से हैं, एंड श्री कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर्स के लिए उत्तर प्रदेश से हैं। पद्म भूषण 17 लोगों को दी गई है, इनमें से हैं गुलाम नबी आज़ाद, सत्या नडेला, सुंदर पिसाई एंड साइरस पुनावाला। एंड पद्मश्री 107 पर्सनालिटीज़ को दी गई है। तो टोटल 128 पर्सनालिटीज़ को पद्म अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है।
तो इसके बाद 2021 के पद्म अवार्ड को भी रिविज़न कर लेते हैं। तो 2021 में टोटल 119 पर्सनालिटीज को यह अवार्ड दी गई थी, जिसमें से पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 10 एंड पद्मश्री 102। इनमें से मंजम्मा जोगति जो कि ट्रांसजेंडर है और ये कर्नाटका से, आर्ट के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण 7 लोगों को दी गई है। इसके लिए ट्रिक है, सुंदरलाल अब से बिल्ली को पानी दिन के सुबह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक में सुंदर है तो सुंदर से हो जाएंगे सुदर्शन साहो आर्ट के क्षेत्र में, लाल से बीबी लाल आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में, अब से शिंजो आबे पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में जो कि फॉर्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, बिल्ली से डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन के क्षेत्र में, पानी से नरेंद्र सिंह कपानी, दिन से हो जाएंगे मौलाना वहीदुद्दीन स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में, एंड सुबह से हो जाएंगे एसपी बाला सुब्रमण्यम जो कि आर्ट के क्षेत्र में, इनको यह अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ वॉन बेस्ट स्टेट टेबल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2022। तो गणतंत्र दिवस परेड 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार किस स्टेट ने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो बेस्ट स्टेट टेबल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2022 की बात करें तो फर्स्ट प्राइज जीता है उत्तर प्रदेश, जिसकी थीम थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम। सेकेंड प्राइज जीता था कर्नाटका एंड थर्ड प्राइज मेघालय। अदर विनर्स की बात करें तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट की कैटेगरी में यह जीता था इंडियन नेवी ने, CAPF के कैटेगरी में टॉप करा था सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट कैटेगरी में विनर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का थीम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का थीम था उड़े देश के आम नागरिक। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन अवार्डेड विद द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अटल टनल। तो अटल टनल ये रिसीव करा है इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस यानी कि IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। तो अटल टनल ये दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, अबव 10K फीट। कहाँ पे स्थित है? तो रोहतांग पास में जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर, और इसको बनाया गया था BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कोडा। तो 94th एकेडमी अवार्ड या फिर इसको ऑस्कर अवार्ड 2022 भी कह सकते हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। विनर्स की बात करें तो बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, बेस्ट फिल्म कोडा को दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टेन द आई ऑफ टेमी फे के लिए, बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपेन को दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द जनपद अवार्ड 2022? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीलमणि फुकन को। तो जनपद अवार्ड ये ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेसी अवार्ड है। फर्स्ट विनर थे इनका जी शंकरा ग्रुप, 1965 में यह अवार्ड दी गई थी। 2021 में 56th जनपद अवार्ड दिया गया है नीलमणि फुकन को असमीज लैंग्वेज में। 2022 में 57th अवार्ड दिया गया है दामोदर मौजो को। क्वेश्चन है, हु वन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टपन। तो 2022 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, विनर्स की बात करें तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये जीता है मैक्स वर्स्टपन, जो कि फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर है और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर इसको जीता है एलेन थॉमसन हेरा, जो कि एक जमैकन एथलीट है। अगर बात करें ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, इस अवार्ड को दिया गया है एम्मा राडुकानो को, जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने US ओपन 2021 में वुमेन्स सिंगल टाइटल भी जीती है, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इंडिया से नॉमिनेट किया गया था नीरज चोपड़ा को, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीते थे भारत के लिए 87.58 मीटर डिस्टेंस को कवर करके, ठीक है।
विच नोबेल हैज़ वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, टॉम ऑफ सैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये दिया गया है नोवेल टॉम ऑफ सैंड को। तो इसका हिंदी नाम है रेत समाधि, जिसको लिखा गया था गीतांजलि श्री के द्वारा, एंड इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। टॉम ऑफ सैंड यह फर्स्ट हिंदी नोवेल है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीतने वाला। अगर बात करें 2021 के विनर्स की, तो यह रहा था डेविड डायोप, और यह अवार्ड उनके बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान 2021? तो 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है रामदर्श मिश्रा को। तो सरस्वती सम्मान ये एक लिटरेरी अवार्ड है, यानी कि साहित्यिक पुरस्कार है, और इस अवार्ड को दी जाती है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। विनर्स की बात करें तो 2021 में इसके विनर हैं रामदर्श मिश्रा, और इनको यह अवार्ड उनके पोयम मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। 2020 के विनर थे शरण कुमार लिम्बाले, सनातन नोबेल के लिए दिया गया था। फर्स्ट विनर थे सरस्वती सम्मान के हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द एबल प्राइज 2022? तो एबल प्राइज 2022 दिया गया है डेनिस पी सुलिवन को, और ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है। तो इस अवार्ड को दी जाती है द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, डाविडो फ्रांसिस केरे। तो प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 इसके विनर है बुर्किना फासो से डाविडो फ्रांसिस केरे। इसमें टोटल प्राइज दी जाती है $1,00,000। फर्स्ट टाइम यह अवार्ड दी गई थी फिलिप जॉनसन को यूनाइटेड स्टेट्स से। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द बेस्ट फीफा मेन्स प्लेयर अवार्ड 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रॉबर्ट लेवांडोस्की। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 इसके विनर्स की बात करें तो बेस्ट मेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2021 यह बना है रॉबर्ट लेवांडोस्की, जो कि पोलैंड से हैं। बेस्ट गोलकीपर एडवर्ड मेंडी सेनेगल से हैं, एंड बेस्ट वुमेन्स प्लेयर एलेक्सिया पुटेलास। स्पेशल अवार्ड की बात करें तो यह अवार्ड दी गई है क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड क्रिस्टीन सिंक्लेयर को। हु वॉन स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022? तो इसको वाटर के लिए नोबेल प्राइज माना जाता है। तो 2022 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीता है विल्फ्रेड ब्रुसर्ट। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज नॉन एस नोबेल प्राइज ऑफ वाटर ये दिया गया है प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुसर्ट को, और इस प्राइज को दी जाती है SIWI के द्वारा, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि स्वीडन में स्थित है। तो 2021 के जितने भी नोबेल प्राइज है इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो नोबेल प्राइज़ को 6 फील्ड में दी जाती है, एंड इस प्राइज़ को अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है, जो कि स्वीडन से थे, स्वीडन के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, तो पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1901 को। कितने फील्ड में दी जाती है, तो 6 फील्ड में। कौन कौन से हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, इकोनॉमिक्स एंड नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज ये दी जाती है नॉर्वे में, जबकि ये पांचों प्राइज दी जाती है कहाँ पे, तो स्वीडन में दी जाती है। तो मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिकन साइंटिस्ट डेविड जूलियस एंड आर्डम पेटापोटियंस को दिया गया है 2021 में। फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को दी गई है, युकोरो मनाबे जापान से हैं, क्लॉस हेसलमैन जर्मनी से, जियोर्जियो पारसी इटली से। ठीक है, तो ये 3 लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल प्राइज 2021 का। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से एंड डेविड मैकमिलन को USA से। लिटरेचर के क्षेत्र में 1 लोगों को दी गई है, और ये हैं अब्दुल रज्जाक गुनरा, जो कि तांजानिया से हैं। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ 2 लोगों को दी गई है, मारिया रेसा फिलीपींस से एंड दिमिर्ती मुरातोव रसिया से। इकोनॉमिक के क्षेत्र में 3 लोगों को
तीनों यूएसए बेस्ट इकोनॉमिस्ट है। कौन कौन से हैं? तो डेविड कार्ड, जॉनसन डी एंग्रिस्ट एंड गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कैरोलिना बेलोस्का। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बेलोस्का जीता है, जो कि पोलैंड से हैं, एंड रनर अप रहा था श्री सैनी यूनाइटेड स्टेट्स के। तो रिवीजन कर लेते हैं, तो 70th मिस यूनिवर्स 2021 ये इसराइल में हुआ था, और इसके विनर हैं हरनाज संधू पंजाब से। इससे पहले दो इंडियन हैं जो मिस यूनिवर्स बन चुकी है, सुष्मिता सेन 1994 में एंड लारा दत्त 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट है 69th मिस यूनिवर्स 2020, इसको जीता था एंड्रिया मेजा मेक्सिको का। फेमिना मिस इंडिया 2020, इसको जीता है मानसा वाराणसी ने, तेलंगाना से हैं। इसके बाद है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021, इसको जीता है श्रुति सितारा केरला से। मिस इंडिया यूएसए 2021 विदेही डोंगरे यूएसए से। एंड मिस अर्थ इंडिया 2021, इसको जीता है रश्मि माधुरी बेंगलोर से। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पीआर श्रीजेश। तो पीआर श्रीजेश हॉकी प्लेयर हैं, एंड ये सेकेंड इंडियन है जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। फर्स्ट इंडियन कौन थे? तो ये थे रानी रामपाल, ये भी हॉकी प्लेयर हैं। पीआर श्रीजेश 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अवार्डेड विद द जेनेसिस प्राइज 2022 रिसेंटली? तो जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है अल्बर्ट बोर्ला को। तो 2022 का जेनेसिस प्राइज इसको जीता है अल्बर्ट बोर्ला ने, जो कि सीईओ एंड चेयरमैन है पी फाइजर के। पी फाइजर ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो वैक्सीन का निर्माण करता है, एंड इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज एफर्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कोविड-19 वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल SDG पायनियर बाय UNGC? तो पहला इंडियन कौन बना है जिनको ग्लोबल SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर रिकॉग्नाइज किया गया है बाय UNGC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रामकृष्णा मुक्का बिल्ली। तो फर्स्ट इंडियन जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG पायनियर फॉर वाटर मैनेजमेंट यानी कि जल प्रबंधन, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट यानी कि UNGC। UNGC की बात करें तो फॉर्मेशन हुआ था 2000 में, हेडक्वार्टर USA के न्यूयॉर्क में। हु हैज़ बिन सिलेक्टेड फॉर कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो कौन कौन से हैं? तो SM कृष्णा जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, NR नारायण मूर्ति इन्फोसिस फाउंडर हैं, प्रकाश पाडुकोन फॉर्मर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर थे, इन तीनों को कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड इसको इंस्टीट्यूट किया गया था इन द ऑनर ऑफ कैंपे गौड़ा, जो कि फाउंडर माना जाता है बेंगलुरु का। हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड बाई ITF? तो ITF के द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह है विजय अमृतराज। तो ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1913 में, हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स मो बस इनिशिएटिव रिसीव्ड 2022 यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ओडिशा। तो ओडिशा का मो बस इनिशिएटिव ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है, तो इन्होंने रिसीव करा है 2022 का यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड। किस कैटेगरी में? तो प्रमोटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विस टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट आईफा अवार्ड 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, शेरशाह। तो आईफा अवार्ड्स 2022, आईफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स। 2022 में इसका 22nd एडिशन था, कहाँ पे हुआ था? तो अबू धाबी में, एंड सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता है शेरशाह मूवी ने।
तो विनर्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट डायरेक्टर विष्णु वर्धन शेरशाह के लिए, बेस्ट एक्टर विक्की कौशल सरदार उधम के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन मिमी के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी लूडू के लिए, ठीक है, एंड बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल को दिया गया है, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर आशीष कौर को, ठीक है। तो बेस्ट लिरिक्स कौशल मुनीर को दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे हैं, आप देख सकते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर WHO अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी झारखंड। तो झारखंड को सेलेक्ट किया गया है फॉर WHO अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि WNTD अवार्ड 2022, तो इसमें झारखंड को यह प्राइज़ दिया गया है। तो झारखंड में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था 2012 में। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, एंड डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट कांस फिल्म फेस्टिवल 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सोंग कांग हो। तो 75th यानी कि 2022 कांस फिल्म फेस्टिवल यह हुआ था फ्रांस में, एंड इसमें इंडिया से दीपिका पादुकोण जूरी मेंबर के रूप में थे। तो पाम डी ओर यानी कि यह हाईएस्ट प्राइज है कांस फिल्म फेस्टिवल का, तो पाम डी ओर दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस मूवी को। बेस्ट डायरेक्टर पार्क चान वूक फॉर डिसीजन टू लीव, बेस्ट एक्ट्रेस जार आमिर इब्राहिमी फॉर होली स्पाइडर, बेस्ट एक्टर सांग कांग हो फॉर ब्रोकर के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज रेलवे हैज़ बिन अवार्डेड फॉर द बेस्ट यूज़ ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंडिया, एंड यह अवार्ड दी गई है UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड यानी कि ISRA के द्वारा। विच कंट्रीज एयरपोर्ट बिकेम द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कतर। तो 2022 स्काई ट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, तो इसमें वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट को रैंकिंग की गई है। तो इसमें से एक नंबर पे है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा कतर में है, दूसरे नंबर पे टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट, एंड तीसरे में है चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर का, एंड यहाँ से इंडिया से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बंगलुरु में स्थित है, इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है इन इंडिया एंड साउथ एशिया। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज PM-E विद्या प्रोग्राम इनिशिएटेड। तो PM-E विद्या प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2020 को। तो अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली PM-E विद्या स्कीम को यूज़ ऑफ ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है। तो PM-E विद्या प्रोग्राम, इसकी शुरुआत की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, एंड इसकी शुरुआत की गई थी एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। कब शुरुआत की गई थी? तो मई 2020 को। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अवार्डेड विद द WCP चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डेकेड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मलाला यूसुफ़ज़ई। तो वर्ल्ड चिल्ड्रेंस प्राइज यानी कि WCP चाइल्ड राइट्स हीरो सेरेमनी यह हुआ था स्वीडन में, इसमें चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड दिया गया है अशोक दयाचंद को एंड जेम्स कोफी अन्नान को, ठीक है। तो अशोक दयाचंद ये इंडिया से हैं और ये एंटी चाइल्ड मैरिज कैंपेन चलाते हैं, वहीं पे WCP चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डेकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है मलाला यूसुफ़ज़ई को जो कि पाकिस्तान से हैं। हु हैज़ वॉन William E. कोलबी अवार्ड 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वेस्ली मॉर्गन। तो वेस्ली मॉर्गन ने जीता है William E. कोलबी अवार्ड फॉर हिज बुक द हार्डेस्ट प्लेस। हु हैज़ वॉन अमेजन संभव 2022 अवार्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुभाष ओला। इसके बाद कुछ अवार्ड्स इन ऑनर्स को देख लेते हैं, वन लाइनर्स क्वेश्चंस हैं। रश्मि साहू, इन्होंने जीता है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। रिसेंटली कश्मीरी RJ जिनका नाम है उमर निसार, इन्होंने रिसीव करा है इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड बाय यूनिसेफ।
यूनिसेफ की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में एंड इसका हेड है कैथरीन एम रशल। क्वेश्चन है हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो लता मंगेशकर ये लीजेंडरी इंडियन सिंगर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनको सर कोकिला के नाम से जाना जाता है एंड 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हु हैज़ वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नमिता गोखले। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 24 लैंग्वेजेस में दी जाती है। तो कुछ इम्पोर्टेंट विनर्स को देख लेते हैं, तो दो नॉवेल्स विनर्स हैं नमिता गोखले इंग्लिश के लिए, उनके नॉवेल थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे फुल लिस्ट है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द 2022 टेम्पल्टन प्राइज, तो 2022 का टेम्पल्टन प्राइज जीता है फ्रैंक विल्जैक और ये यूएसए से हैं और इनको फिजिक्स के क्षेत्र में 2004 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट विनर थे टेम्पल्टन प्राइज़ के मदर टेरेसा, इनको 1973 में यह प्राइज़ दिया गया था। विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इन थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली रामनाथ कोविंद ने प्रेजेंट करा है थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020 एंड इनके अलावा इन्होंने लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022, तो इसमें बेस्ट स्टेट कैटेगरी में टॉप करा है उत्तर प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड दी गई है उनके वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट्स के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट्स के लिए उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में, ठीक है। सेकेंड में है राजस्थान एंड थर्ड में है तमिलनाडु। तो नेशनल वाटर अवार्ड इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा 2018 में। क्वेश्चन है विच सॉन्ग वॉन द एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट 64th ग्रैमी अवार्ड्स, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वी आर, तो एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है वी आर। तो वहीं पे बात करें एल्बम ऑफ द ईयर वी आर, सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया रोड्रिगो को अमेरिकन सिंगर हैं, न्यू एज एल्बम डिवाइन टायर्स को दिया गया है, रिकी केज सिंगर हैं, ठीक है। इंडियन म्यूजिक कंपोजर है, ठीक है, रिकी केज, इनको इनके डिवाइन टाइड्स को न्यू एज एल्बम का अवार्ड दिया गया है 64th ग्रैमी अवार्ड्स में। क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 2022 बाफ्टा अवार्ड्स, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विल स्मिथ। तो 75th बाफ्टा अवार्ड्स, बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ये हुआ था लंदन में 75th। विनर्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है द पावर ऑफ द डॉग, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ फॉर किंग रिचर्ड, बेस्ट एक्ट्रेस जोन्ना को आफ्टर लव के लिए, बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपेन द पावर ऑफ द डॉग के लिए, बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ड्राइव माई कार को, जापानीज लैंग्वेज में है ये मूवी। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द मेलकम अदिसिया अवार्ड 2022, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रभात पटनायक। तो मेलकम अदिसिया अवार्ड 2022 ये दिया गया है प्रभात पटनायक को जो कि एक फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। इस अवार्ड को दी जाती है मेलकम एंड एलिजाबेथ अदिसिया ट्रस्ट के द्वारा टू एन आउटस्टैंडिंग सोशल साइंटिस्ट। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द असम वैभव अवार्ड, तो असम वैभव अवार्ड जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का, तो 2021 में यह अवार्ड दिया गया रतन टाटा को और इस अवार्ड की शुरुआत 2021 से ही की गई है। तो असम वैभव यह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का, तो 2021 में ये तीन कैटेगरीज में 19 पर्सनालिटीज़ को दी गई है। तो इसमें से पहला है असम वैभव जो कि हाईएस्ट है और ये अवार्ड दी गई है रतन टाटा जी को, असम सौरभ 5 पर्सनालिटीज़ को एंड असम गौरव 13 पर्सनालिटीज़ को। तो इसमें से हाईएस्ट है असम वैभव, ठीक है। जिस तरह पद्म भूषण विभूषण होता है उसके बाद पद्म भूषण एंड पद्मश्री, उसी तरह स्टेट का भी होता है, ठीक है। और इस अवार्ड की स्थापना की गई थी 2021 को। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर जी डी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च,
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है नारायण प्रधान। तो जी डी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इसकी शुरुआत की गई थी 1991 से एंड ये अवार्ड दी जाती है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। विच फिल्म वन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 इन बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी द पावर ऑफ अ डॉग। तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एंड्रयू गारफील्ड को म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में, बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा द पावर ऑफ द डॉग एंड बेस्ट एक्टर ड्रामा मोशन पिक्चर में विल स्मिथ को, ठीक है। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन अवार्डेड विद द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डेनमार्क। तो रिसेंटली मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 फॉर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, तो यह अवार्ड दिया गया डेनमार्क को एंड दिस अवार्ड इज़ गिवन इन द ऑनर ऑफ द मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इनको 1979 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था और यह फर्स्ट इंडियन फीमेल थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीती थी। डेनमार्क आपको मैप पर यहाँ पर मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन एंड करेंसी है क्रोन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड 2020, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सतीश अडिगा। तो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड, इसकी शुरुआत की गई थी ICMR के द्वारा यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इस अवार्ड का नाम रखा गया था सुभाष मुखर्जी के नाम के ऊपर जो कि क्रिएटर थे इंडिया के पहले IVF बेबी के यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अन्ना कबाले दुबा। तो फर्स्ट एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड ये जीता है अन्ना कबाले दुबा जो कि केनिया से हैं, ठीक है, एंड बिकेम द वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट अवार्डेड विद द परम विशिष्ट सेवा मेडल, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। तो रिसेंटली सूबेदार नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है परम विशिष्ट सेवा मेडल से। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विवेक लाल। तो इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट विवेक लाल को सम्मानित किया गया है एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 से और यह अवार्ड दी गई है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। हु हैज़ वॉन द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फॉर 2021, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी फागुनी नायर। तो ब्यूटी सप्लाई कंपनी नायका का CEO फागुनी नायर, इन्होंने जीता है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फॉर 2021 एंड फागुनी नायर विल रिप्रेजेंट इंडिया एट EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी डॉक्टर भूषण कुमार। तो इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021, इसकी स्थापना की गई थी गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा। विनर्स की बात करें तो इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता है इसको डॉक्टर भूषण कुमार जो कि चंडीगढ़ से हैं एंड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में इसको जीता है सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन है हाउ मेनी वुमेन हैज़ बिन कन्फर्ड विद द वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 यानी कि WTI अवार्ड 2021, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 75। तो फिफ्थ एडिशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नीति आयोग के वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के द्वारा यानी कि WEP के द्वारा। इसमें WTI अवार्ड्स यानी कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में 75 महिलाओं को दी गई है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सशक्त और समर्थ भारत। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हरियाणा। तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाएगा फॉर वुमेन एंड इसके लिए कैश प्राइज दिया जाएगा 5 लाख एंड इसकी अनाउंसमेंट करी थी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर।
सुषमा स्वराज सी वॉज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इनको 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वुमेन हैव बीन कन्फर्ड विद द नारी शक्ति अवार्ड फॉर 2022 एंड 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 29। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड 29 वुमेन विथ नारी शक्ति अवार्ड, तो रामनाथ कोविंद ने प्रेजेंट किया था। एंड प्रेजेंट टाइम अभी प्रेजिडेंट इंडिया के द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो टोटल 28 अवार्ड्स को दिया गया था 29 महिलाओं को, और इनमें से एक जॉइंट अवार्ड था। 2020 के लिए 14 अवार्ड्स एंड 2021 के लिए 14 अवार्ड्स। इसमें राधिका मेनन, याद रखेगा, फर्स्ट इंडियन वुमन कैप्टन थी मर्चेंट नेवी की, इनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। हु हैज़ रिसीव्ड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि CBE अवार्ड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अजय गोपी किशन पीरामल। एंड इन्होंने रिसीव करा है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अजय गोपी किशन पीरामल, ये पीरामल ग्रुप के चेयरमैन हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विनोद शर्मा। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, इसमें इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है विनोद शर्मा को, एंड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया गया है GIDM को, यानी कि गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को। एंड दे हैव गिवन दिस अवार्ड फॉर देयर एक्सलेंट वर्क इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी कि इनको ये अवार्ड आपदा प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इसके अनाउंसमेंट की गई थी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इसमें कैश प्राइज दिया जाता है इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 51 लाख एंड इंडिविजुअल कैटेगरी में 5 लाख। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन वॉन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 29। तो टोटल 29 चिल्ड्रेंस को ये अवार्ड दी गई है 2022 में। इसमें से 7 चिल्ड्रेन को इनोवेशन के क्षेत्र में, 4 को सोशल सर्विस के क्षेत्र में, 1 को स्कूलिस्टिक के लिए, 8 को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, आर्ट एंड कल्चर के लिए 6 चिल्ड्रेंस को, एंड ब्रेवरी के लिए 3 चिल्ड्रेंस को। इसमें पहली बार डिजिटल सर्टिफिकेट दिया गया है थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कुजंगल। तो 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है कुजंगल, इसको पीबल्स भी कहा जाता है। ये एक तमिल फिल्म है, ठीक है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है जय सूर्या फॉर सनी मूवी के लिए। क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सेलेक्टेड फॉर जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 51। तो जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2021 रिसेंटली इसकी अप्रूवल दी थी प्रेसिडेंट ने 51 पर्सन्स को देने के लिए। तो जीवन रक्षा पदक तो वैसे लोगों को दी जाती है जो कभी ना कभी किसी का लाइफ बचाता है, ठीक है, हु सेव्स समवनस लाइफ, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज में दी जाती है अवार्ड को। पहला है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 6 लोगों को दी गई है, उत्तम जीवन रक्षा पदक एंड जीवन रक्षा पदक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड कनाडाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द कनाडा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ने जीता है। तो रिसेंटली 3 इंडो कैनेडियन को ऑर्डर ऑफ द कनाडा अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि कनाडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कौन कौन से हैं? तो डॉक्टर वैकुंतम अय्यर लक्ष्मण सेन जो कि साइंटिस्ट है, नवजीत बॉब सिंह ढिल्लों बिजनेसमैन है, एंड प्रदीप मर्चेंट जो कि एक बच्चों का चिकित्सक है, ठीक है, बच्चों के लिए डॉक्टर है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन क्राउंड एज द मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर निकिता सोकल। इसके बाद है वॉल लाइनर्स, सुमित भाले, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल एट इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल जो कि दुबई में हुआ था। रोहित कुमार हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बिहार विभूति सम्मान। वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 ये जीता है किशोर कुमार वेदम ने।
नेदाजी अवार्ड 2022 यह दिया गया शिंजो आबे को, जो कि फॉर्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, और यह अवार्ड दिया गया है नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण, यह है देवेंद्र झाझरिया, जो कि जेवलिन थ्रोवर हैं। सुरेश रैना ने रिसेंटली रिसीव करा है स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड फ्रॉम मालदीव गवर्नमेंट। रिसेंटली गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 यह जीता है मारियो मार्शल ने, जो कि चिली कंट्री से हैं। टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड यह जीता है दीपिका पाडुकोन ने। पेटा इंडियाज 2021 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है आलिया भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ कैप्टन डेरेन सेमी को मिला है सितारे पाकिस्तान अवार्ड। वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2022 के विनर्स की बात करें तो ये जीता है रूथ ओजेकी ने फॉर हर नॉवेल द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पिटीनेस। विटले गोल्ड अवार्ड ये जीता है चारुदत्त मिश्रा ने, जो कि एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट है। यूनेस्को का किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज ये जीता है यूज़ ऑफ ICT के लिए इन एजुकेशन। ठीक है, फॉर 2021 यह दिया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि CIET को। ठीक है, एंड रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने जीता है फर्स्ट प्राइज इन नेशनल MSME अवार्ड 2022।